हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटेक DWM-104 वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम के बारे में और डिस्कस करेंगे कि इसके साथ में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, प्लस इसके जो रियल वर्ल्ड सैम्पल्स हैं वो देखेंगे और एट द एंड डिस्कस करेंगे कि क्या आपको ये माइक्रोफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और साथ में मुझे कुछ चीज़ें इस माइक्रोफोन की अच्छी लगी है, कुछ चीज़ें बुरी लगी है, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये सारा ऑडियो इसी माइक्रोफोन के थ्रू फीड हो रहा है और आप जो भी ऑडियो सुन रहे हो डायरेक्टली इसी माइक्रोफोन से आ रहा है और उस ऑडियो के ऊपर अगर किसी तरीके का कुछ एडिट मैंने किया हुआ है तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो करंटली ये बहुत अच्छे बजट पर सेल हो रहा है। 8,000 to 8,500 के आसपास का इसका प्राइसिंग है। और इसकी बॉडी एंड बिल्ड की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल इसका जो पूरा बिल्ड है वो प्लास्टिक मेड है, लेकिन हाथ में ये काफ़ी अच्छा फील होता है। बहुत ज़्यादा वीक प्लास्टिक से या फिर इन्फीरियर क्वालिटी के प्लास्टिक से इसको नहीं बनाया हुआ है। इसका जो बिल्ड है वो काफ़ी हद तक अच्छा महसूस होता है हाथ में। इसके ऊपर आपको TFT डिस्प्ले मिल जाती है तीनों डिवाइसेस पे, दैट इंक्लूड्स रिसीवर और ट्रांसमीटर। ये तीनों डिवाइसेस जो है तीनों के ऊपर आपको TFT LED डिस्प्ले मिल जाती है। और ये जो माइक्रोफोन है ये ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है और 150 मीटर का इसका रेंज कंपनी क्लेम करती है। इस माइक्रोफोन में एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जो लेवल है वो मैन्युअली आप एडजस्ट कर सकते हो। और इस माइक्रोफोन के साथ में आने वाली चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, माइक्रोफोन की जो सारी एक्सेसरीज़ है वो इस तरीके के बहुत अच्छे से एक हार्ड केस के अंदर आती है, जिसमें आपके माइक्रोफोन की सारी जो चीज़ें हैं वो सारी एक ही बॉक्स के अंदर ईजीली पैक हो जाती है। सबसे पहले आपको आपका जो रिसीवर है वो मिल जाता है और इस तरीके के आपको दो ट्रांसमीटर मिल जाते हैं। और साथ में आपका जो ट्रांसमीटर है उसके ऊपर लगाने के लिए आपको ये फरी विंड स्क्रीन मिल जाती है, जो कि बहुत ही सिक्योरली इसके ऊपर लॉक हो जाती है और ये बिल्कुल भी वॉबल नहीं करती। तो ये साथ में आपको बाहर विंडी सिचुएशन में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इस तरीके के आपको दो अटैचमेंट मिल जाते हैं दोनों ट्रांसमीटर के लिए। तो ये जो केबल है ये TRRS to TRRS केबल है। ये आपका रिसीवर और आपका जो मोबाइल फ़ोन है 3.5mm का जैक है उससे कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। ये जो केबल है ये आपको C टाइप मतलब कि आपका जो रिसीवर है उसे एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट करना हो अगर तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ये जो है ये आपका लाइटनिंग जैक है, इसे आप आईफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो रिसीवर को। और ये जो केबल है ये TRS to TRRS केबल है, जिससे बेसिकली आप आपका जो रिसीवर है उसे आपके कैमरा के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो एक केबल इसके साथ में आता है इसमें USB A to USB C चार्जिंग के लिए ये केबल दिया हुआ है, जिसमें तीन अलग अलग USB C के चार्जिंग पोर्ट एक साथ में ही आपको दिए हुए हैं। तो एक ही प्लग में लगा करके आप आपका रिसीवर और दोनों ट्रांसमीटर इसके थ्रू चार्ज कर सकते हो। और आपको आपका ऑडियो मॉनिटर करने के लिए दो इस तरीके के हेडफोन्स मिल जाते हैं, जिससे आप आपका जो ऑडियो है उसे ईजिली मॉनिटर कर सको। और इसके साथ में फाइनली आपको ये जो है रीसेट करने के लिए एक पिन दी हुई है। आपके जो बेसिकली तीनों डिवाइसेस है उसमें यहाँ पर आपको एक पिन का होल दिया हुआ है, जिसमें आप अगर लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपके जो डिवाइसेस है उसे आप रीसेट कर सकते हो। अब जहाँ तक रीसेट करने की बात है तो साथ में ये जो यूज़र मैनुअल आती है इसे प्लीज़ संभाल कर रखिएगा अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो तो, बिकॉज़ यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो डिटेल्स है जो रीसेट की वो दी हुई है। और ये मैं वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि इनकेस अगर किसी का ये गुम जाता है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इजीली जो आपका रीसेटिंग का प्रोसेस है वो कर सको। तो मेक श्योर कि आपका ये जो बुक है ये आप हमेशा संभाल के रखो। अब इस माइक्रोफोन की अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो इसमें जो बैटरी दी हुई है वो चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स जितना लेती है तीनों डिवाइसेस की। और साथ ही साथ उनको अगर आप यूज़ करते हो तो कंपनी 10 आवर्स का उसका बैटरी बैकअप क्लेम करती है। सो फाइनली देखते हैं कि इस माइक का जो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से है और अलग अलग सेटिंग्स में अलग अलग सिनेरियो में इसका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके का आप अचीव कर सकते हो। सो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये माइक किस तरीके का साउंड करता है वो टेस्टिंग आप सुन रहे हो और किस तरीके का ऑडियो निकल के आ रहा है आप सुन सकते हो। सो अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो कम्प्लीटली रॉ ऑडियो सुन रहे हो और ये जो ऑडियो है ये नॉइस कैंसलेशन के साथ रिकॉर्ड हो रहा है और आप सुन सकते हो कि किस तरीके का ऑडियो ये प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में नॉइस कैंसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कंट्रोल एनवायरनमेंट में नॉइस कैंसलेशन अप्लाई होने के बाद जो एक्चुअल साउंड है उसके ऊपर किस तरीके का इफेक्ट होता है वो आप सुन सकते हो। तो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये डायरेक्टली इस माइक के थ्रू आ रहा है और आप सुन सकते हो कि ऑडियो किस तरीके का है। और इसके ऊपर किसी भी तरीके का नॉइस कैंसल करंटली अप्लाई नहीं किया हुआ है और इसके साथ में जो विंड स्क्रीन आती है वो भी नहीं लगाई हुई है।
तो जो ऑडियो है वो आप सुन सकते हो कि किस तरीके से है, और जो माइक है उसके अंदर जो गेन है वो मैंने मैक्सिमम रखा हुआ है, ताकि जो कैमरा का इन बिल्ट जो गेन आता है वो मैं रिड्यूस कर सकूँ मैक्सिमम। तो 15 dB का इसका जो मैक्सिमम गेन है वो ऑन है, और जो कैमरा है उसमें प्लस 7 dB का गेन है, और ये करंटली काफ़ी नॉइजी एनवायरनमेंट है और पीछे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। आप सुन सकते हो कि जो ऑडियो है वो किस तरीके का प्रोड्यूस होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें जो नॉइज़ कैंसलेशन वाला फ़ीचर है उसमें ऑडियो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो अब मैं जो नॉइज़ कैंसलेशन वाला फ़ीचर है वो मैंने अब ऑन कर दिया है, और आप सुन सकते हो कि जो ऑडियो है वो नॉइज़ कैंसलेशन के साथ किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। और अगेन जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी नॉइज़ी है, और आप सुन सकते हो कि अगर नॉइज़ी एनवायरनमेंट में विथ विंड अगर आप शूट करते हो तो किस तरीके का ऑडियो विदाउट विंड मफ और विथ नॉइज़ कैंसलेशन ये जो माइक है वो प्रोड्यूस करता है। और अब मैंने इस माइक के साथ में जो विंडस्क्रीन आती है जो एयर नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए होती है वो लगाया हुआ है, और आप सुन सकते हो कि सेम एनवायरनमेंट में जो ऑडियो है वो किस तरीके से निकल के आ रहा है। करंटली जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो ऑफ़ है, और अब मैं जो नॉइज़ कैंसलेशन है उसे ऑन करता हूँ, और अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये विद नॉइज़ कैंसलेशन है और विंड मफ भी लगाया हुआ है, तो जो मैक्सिमम जो नॉइज़ का रिडक्शन हो सकता है पॉसिबली वो सारा अभी एक्टिवेटेड है, और आप सुन सकते हो कि जो ऑडियो है वो किस तरीके का आ रहा है। और करंटली स्टिल जो पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो विंड है वो थोड़ी सी कम है, बस स्टिल जो रिज़ल्ट है वो आप सुन सकते हो कि किस तरीके का है। तो इसका जो डिस्टेंस का टेस्ट है वो करते हैं। करंटली मैं थर्ड फ्लोर के ऊपर हूँ, और मैं वहाँ पर जा करके जो ऑडियो है वो फीड करूँगा और देखते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो कितनी हद तक एक्यूरेटली ऑडियो रिकॉर्ड कर पाता है। और अभी करंटली मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, और जो ऑडियो है वो आई डोंट नो आप सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो, बट करंटली जो लाइन ऑफ साइट है वो आपको नहीं मिल रही है ट्रांसमीटर और माइक के बीच में काफ़ी ज़्यादा वॉल्स वगैरह अभी आ रही है। तो अभी करंटली मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, और जो मेरा ट्रांसमीटर है वो डायरेक्टली ऑपोजिट साइड पे है, और आप सुन सकते हो कि ऑडियो आ रहा है। अभी मैं करंटली रोड के दूसरे साइड पर पहुँच गया हूँ, तो अभी करंटली मैं रोड के इस साइड खड़ा हूँ, और अप्रॉक्सीमेटली मेरा और कैमरा के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30-40 meters का है। थोड़ा सा और दूर जाके देखते हैं अभी ऑडियो आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली मैं कैमरा से ऑलमोस्ट 60-70 meters इतना दूर हूँ, और चेकिंग ऑडियो 1 2 3 1 2 3। सो अभी कैमरा और मैं एकदम लाइन ऑफ साइट में है, और आप जो ऑडियो है वो सुन सकते हो या नहीं सुन सकते वो आप चेक कर सकते हो। सो अभी मेरे और कैमरा के बीच में 60-70 meters जितना डिस्टेंस है, और जो ट्रांसमीटर है वो लाइन ऑफ साइट में है, और आप सुन सकते हो कि किस तरीके का कनेक्शन इसका आ पा रहा है। और मैं वापस से जो कैमरा है उसकी तरफ अब आऊँगा, और जो ऑडियो है वो किस तरीके का आ रहा है आप सुन सकते हो, कनेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इस माइक्रोफोन की कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका जो प्राइस पॉइंट है वो बहुत अट्रैक्टिव है। 8,000-8,500 rupees के आसपास करंटली इतने सारे फीचर्स प्लस इतनी सारी एक्सेसरीज़ के साथ में और कोई भी माइक्रोफोन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सेकंड थिंग के इसमें जो डायरेक्ट ऑडियो है वो आप चाहो तो रिकॉर्डर में या किसी तरीके के इंटरफेस में डायरेक्ट फीड कर सकते हो, जिसके बहुत सारे वर्सेटाइल यूजेस हो सकते हैं। और अगर आप चाहो तो जो रिसीवर है उसमें डायरेक्टली आप आपका जो हेडफोन है वो लगा करके जो ऑडियो है उसे मॉनिटर भी कर सकते हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। थर्ड थिंग इज़ के इसमें डायरेक्टली आपका जो लैवलियर माइक्रोफोन है वो भी लगा सकते हो। अगर आप इस तरीके का बड़ा सा माइक्रोफोन कैमरा में नहीं दिखाना चाहते तो आप इसे पॉकेट में रख के इसके ऊपर लैवलियर माइक्रोफोन लगा करके भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से अगेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अब इसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद आई, उसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसका जो नॉइज़ कैंसलेशन मोड है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, स्पेशली आउटडोर में। मेरा जो ऑडियो है पर्सनली मेरी अगर बात करूँ तो मेरा जो वॉइस है उसको बहुत ज़्यादा मडी साउंड हो रहा था जब मैंने नॉइज़ कैंसलेशन ऑन किया तो। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि अगर किसी केसेस में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है या वैसा कुछ है तो आप इस तरीके का या इससे अच्छा एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन में भी कर सकते हो। तो अगर आप नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करके ऑडियो रिकॉर्ड करोगे तो फिर शायद ही आप वो जो पार्ट है जो रिकवर करने लायक है उसे शायद ही आप रिकवर कर पाओ। तो मेरे हिसाब से जो नॉइज़ कैंसलेशन है इस माइक्रोफोन का वो इतना ज़्यादा अच्छा और इफ़ेक्टिव नहीं है। सेकेंड थिंग जो मुझे नहीं पसंद आई वो ये है कि स्पेशली नॉइज़ कैंसलिंग वाले पार्ट में
कि नॉइस कैंसलेशन वाले पार्ट में मुझे थोड़ा सा जो ऑडियो है उसमें लेटेंसी मालूम पड़ रही थी। अब उसका रीज़न क्या हो सकता है वो आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि जो नॉइस कैंसलेशन के लिए जो कंप्यूटिंग होता है वो इस माइक्रोफोन का थोड़ा सा स्लो होने की वजह से आई थिंक जो लेटेंसी है वो क्रिएट हो रही थी। बट आप अगर चाहो तो वापस से जो टेस्टिंग का पार्ट है वो चेक कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज़ के जो पर्सनली मैंने फेस की वो बताता हूँ। जब मैं इन दोनों माइक्रोफोन को पेयर कर रहा था तो मैंने रीसेट वाला जो ऑप्शन है वो सारी चीज़ें करके देखी। एक बार ये दोनों का तीनों डिवाइसेस का जो पेयरिंग है वो टूट गया, और उसके बाद इसे वापस से पेयरिंग करने में मुझे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर जितना लगा। तो अगर आप ये माइक्रोफोन परचेस कर रहे हो तो पेयरिंग किस तरीके से करना है वो आप डेफिनेटली सीख लेना, स्पेशली जो इसके साथ में जो यूज़र मैनुअल आती है उसके अंदर देख करके जो पेयरिंग है वो बहुत अच्छे से सीख लेना। अगर ऑन द शूट डे आपका जो पेयरिंग है वो आप रीसेट करते हो या किसी वजह से टूट जाता है तो आपको जो पेयरिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें अजीब सा है। फोर्थ थिंग जो मुझे इसमें नहीं अच्छी लगी वो ये है कि इसमें डिस्प्ले दिया है, नो डाउट वो बहुत अच्छी चीज़ है और इस प्राइस पॉइंट पे डिस्प्ले का होना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम है। आउटडोर के एनवायरनमेंट में हो सकता है कि ये डिस्प्ले है वो आपको विजिबिलिटी ना दे पाए। सो एट द एंड अगर डिस्कस करूँ कि क्या आपको ये माइक परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सी इस प्राइस पॉइंट पे 8,000 to 8,500 के प्राइस पॉइंट पे बहुत कम ऐसे माइक्स है जो इतने सारे फीचर्स और इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप थोड़ा सा जो बजट है उसे इंक्रीज़ करिए और थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ऑडियो प्रोवाइड कर सके वैसा प्लस रिलायबल जो माइक्रोफोन है उसमें जाइए, और वो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो या यू कैन बाय इट और नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपने पूरा जो इसका परफॉर्मेंस है, जो इसके फीचर्स है वो मैंने आपसे शेयर कर दिए है, एंड द डिसीज़न इज़ योर्स। अगर आप इस तरीके के कोई भी इक्विपमेंट या फिर किसी भी तरीके के फोटोग्राफी के रिलेटेड एक्सेसरीज परचेस करना चाहते हो तो आप कुछ फोटो गुड से कर सकते हो, वो ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करते हैं और उनकी जो डिटेल्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। कुछ फोटो गुड्स ने इस वीडियो को बनाने में मेरी काफ़ी हेल्प की है, तो प्लीज़ गो एंड चेक देम आउट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।